राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर आइए आपका मन सभी का शांत हो गया होगा। आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और ये सात्विकता, ये शुद्धता, ये आध्यात्मिकता हमें तभी मिल पाएगी जब हम योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से जुड़ेंगे। और यही हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों का हमारा देश रहा है। और ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले हमें योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की ये सारी जितनी भी पद्धतियाँ हैं ये हमें शास्त्रों के रूप में, वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में प्रदान की है। लेकिन ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई थी, इनको फिर से जागृत किया है स्वामी रामदेव जी ने। उनका अपना ये कुछ भी नहीं है, जो भी है वो हमारे ऋषियों का ही ज्ञान है जो लुप्त हो गया था, फिर से उन्होंने इनको जागृत किया है। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे जीवन के जो चार मुख्य जो लक्ष्य हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और इस जीवन को चलाने के लिए हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। कहा भी है कि इस दुनिया में सुखी कौन है, तो सुखी वो है जिसकी काया निरोगी है। निरोगी इंसान ही अपनी व इस समाज की सेवा कर सकता है, बीमार व्यक्ति अपनी सेवा भी नहीं कर सकता तो इस समाज को तो फिर हम क्या ही दे सकते हैं। तो अपने आप को पहले हम स्वस्थ करें और वो स्वस्थ करने के लिए हमें योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। बिना योग आयुर्वेद के आप देख रहे हैं आज हर घर में कितनी ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं। आप अपने ही परिवारों को देखेंगे, शायद ही आज के इस आधुनिक समय में आपको देखने को मिलता होगा कि कोई ही परिवार ऐसा होगा जिसमें कोई भी मेंबर बीमारियों से ग्रसित हो।